हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो ये है लास्ट मॉर्निंग हमारी गुड़गांव की। ये सड़कें, ये गली, ये मोहल्ले हमेशा के लिए छोड़ के जाना बहुत मुश्किल होता है। मुझे तो अभी से रोना ही आ रहा है, पता नहीं क्यों। चलो भाई, मूवर्स पैकर्स वाले आते ही होंगे, ये गाड़ी वगैरह हटवानी पड़ेगी। ये गलियां ये चौरा, यहाँ आना ना दोबारा। ओ माय गॉड, कल इस टाइम पे हम कहाँ होंगे। चलिए किचन में दूध वूध गर्म कर लेते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत लोग आए होते हैं, झटपट कर लेते हैं सारा काम, हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। A few moments later. तो मेरी चाय भी नहीं बन पाई तब तक ये लोग आ गए हैं, और ये पांच लोग आए हुए हैं, और आते ही इन्होंने झटपट सारा काम करना स्टार्ट कर दिया। और वैसे ये सारी चीज़ें मुझसे पूछ पूछ के रख रहे थे कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, कैसे रखनी है। तो जो वैसी वैसी चीज़ थी वो कार्टन में रख रहे थे। ये मेरी साड़ियाँ हैं, इसमें साड़ी के कवर वगैरह में मैंने अच्छे से पैक करके रख दिए। देखो, मैं बेड में रखती थी अपनी साड़ी, क्योंकि इतने कवर्ड होने के बावजूद भी मेरे पास जगह नहीं थी, इसलिए मैं बेड में ही रखती थी। लड्डू क्या हो रहा है ये? देखो ये देखो ये देखो, कौन है? तो एसी को हमने कल ही डिसमेंटल करवा लिया था, और अभी यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं पैक। तो अनिल बोल रहे थे उनसे कि बबल रैप कर दो, क्योंकि वैसे तो हम लोगों ने इंश्योरेंस लिया है एक्स्ट्रा पे करके, बट उसका कोई ज़्यादा मतलब है नहीं। और इंश्योरेंस हमने स्पेशली लिया था टीवी के लिए, और कुछ कुछ आइटम थे उनके लिए, 2 लाख तक का लिया था हमने, तो उसका हमने एक्स्ट्रा पे किया था। और वैसे हमारा ये था कि मूवर्स पैकर्स वाले ना बहुत ज़्यादा रुपये लेते हैं, मतलब डबल लेते हैं। अगर आप अपने हाथ से पैकिंग करते हो, फिर लोडिंग वगैरह अपने हाथ से करते, मतलब अपना खुद बुक करवाते हो, उसमें आपके इतने पैसे नहीं लगते हैं, बट उसमें आपको ही करना पड़ेगा। इसलिए फिर छोटे बेबी के साथ थी मैं, लड्डू के साथ, तो छोटे बेबी के साथ ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। सामान मेरा बहुत ज़्यादा था, इसलिए फिर हमने मूवर्स पैकर्स ही करवा लिए कि कोई मतलब नहीं है, हो नहीं पाएगा अकेले एडजस्ट। और ये लोग बहुत अच्छे से पैकिंग करके ले जाते, तो इन्होंने पहले बबल रैप किया, फिर इन्होंने सीट में अच्छे से पैक किया सारा सामान, ये इसी तरीके से पैक करके ले गए थे। बहुत अच्छे से इन्होंने किया था, जो जैसा होगा उसके लिए वैसा ही बोला जाएगा, और उन्होंने काफ़ी मेहनत करी थी। तो धीरे धीरे सारा सामान हो रहा है, और अब पता लग रहा है कि घर में कितना सामान निकला हुआ है। जब मैं ये सारी चीज़ें मैं वीडियो बना रही थी, और जब ये खाली हो रहा था, वो लोग पैक कर रहे थे, तो मैं यही सोच रही थी कि यार एक एक चीज़ मैंने कैसे जोड़ी हुई है। मतलब उनको देख देख के मुझे रोना ही आ रहा था। जब सामान सेट होता है तब इतनी सारी चीज़ें नहीं दिखती हैं, बट एकदम जब आप कहीं चेंज करते हो या कुछ होता है तब आपको सारी चीज़ें दिखती हैं। तो मैं चीजों पे तुम्हें रोना आ रहा है? अरे थोड़ी भी चीजों पे हंसना आएगा? अरे रोना इसलिए आ रहा है, मतलब इमोशनल हो जाती हूँ कि एक वो समय था जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं था, तो थोड़ा इमोशनल हो ही जाते हैं। जी जेंट्स नहीं समझेंगे हमारी फीलिंग्स, ये हमेशा मजाक ही बनाते हैं हम लोगों का। तो घर का माहौल कुछ इस तरीके का हो रखा है, यहाँ पे ये पैक कर रहे हैं। ये ऊपर हो रहा है भैया, ऊपर कार्टन टूटेगा। और इस वाले रूम में बेड ओपन हो रहे हैं, लक्ष्य नहाने के लिए गया है। मैंने बोला तुम नहा लो, इधर किचन फैली हुई डली है। तो अभी ये सेट होगा सारा, बर्तन भी साफ़ होने हैं। आज हाउस हेल्पर होती तो बहुत हेल्प हो जाती। तो ये सामान यहाँ पर रख दिया है इन्होंने पैक कर करके ऐसे। हाय, सुबह से सीसी में मुंह भी नहीं देखा, हालत इतनी खराब है कि मैं क्या ही बताऊं अब। नहीं, बढ़िया काम करोगे तो हम बोलेंगे ना कि अरे भाई हमारे यहाँ तो आए थे तो अच्छा बोल। तो
तो मंदिर को हमने दो दिन पहले ही निकलवा लिया था, पिछले वाले ब्लॉग में मैंने शेयर भी किया था, तो इस पर हमने पेंट करवाया, ये पेंट होके आ गया। और यहाँ पे मैं बोल रही हूँ भैया, मंदिर हमने बहुत प्यार से बनवाया हुआ है, प्लीज़ आप अच्छे से लेके जाना कि कहीं टूट ना जाए, क्योंकि लकड़ी के आइटम होते हैं वैसे तो बहुत ज़्यादा मजबूत है, बट फिर भी। तो मैं यहाँ पर उनसे बबल रैप करवा रही हूँ, उसके बाद ये इस पर सीट लगाएंगे तब फिर ये पैक हो जाएगा एकदम। तो यहाँ पर ये अंकल कर रहे हैं पैक, सीट वगैरह लगा रहे हैं इसमें। तो हमारे भगवान जी का मंदिर हो गया है पैक। लड्डू पता नहीं क्यों रो ही रहा है ये। हेलो लड्डू, मैंने टीवी ऑन करी थी लेकिन इन्वर्टर बोल गया बेटा नहीं, लाइट नहीं है। क्या हुआ लड्डू, अब डर रहा है लड्डू। पूरा कार्टन में जाएगा भैया वो वाला। हाँ आ गए क्या? तो यहाँ पे भैया कर रहे हैं ग्लास का सामान पैक, बबल रैप, उसके बाद इस कार्टन में रखोगे आप? अच्छी बात है कि हमारे पास ज्यादा सामान नहीं है ग्लास का, वरना प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे फ्रिज हो गया, तो ये हो गया फ्रिज। और लड्डू हमारा बहुत रो रहा है। और यहाँ पे ये अंकल कर रहे हैं, वैसे मैं सोचने वाली थी, मतलब मैं बोल रही थी कि ऐसे कैसा चला जाएगा, बट ये ऐसा कैसा नहीं जा रहा है क्योंकि इसमें वेट बहुत ज़्यादा है। तो फिर अंकल इसको कार्टन में निकाल रहे हैं कपड़े, और बड़े अच्छी तरीके से रख रहे हैं अंकल। अंकल उसको तो लगा रहे अंदर ना, जो नीचे बिछा है उसको तो उसी में ना। तो लगा रहेगा। हाँ हाँ, वो नीचे वाले भी आ जाएंगे सब इसी कार्टन में ना। तो कोई और जाएगा वहाँ पे, कोई और जाएगा ना भैया? नहीं, वहाँ बंदा रहता है। अच्छा, नहीं वहाँ पे सामान निकालने के लिए आपके यहीं से जाएंगे ना? मेरा कहने का मतलब ये कि वहाँ हम जा रहे हैं वहाँ ऑफिस थोड़ी होगी इनकी, है हर शहर में रहती हैं। अच्छा, बम्बई, हैदराबाद, चेन्नई सब ले जाते। हाँ वो हटा के उधर कूलर भी है, उसकी पन्नी हटा देना और उसका जो जाली में लगा है ना घास सा गंदा सा उसको निकाल देना, पूरे को घास को निकाल देना। हाँ, ये रेलिंग पर डाल देना, उधर डाल देना कूड़े के पास, फिर पैक करना। नहीं तो फालतू में वहाँ धूल लेके जाओ, कोई मतलब नहीं है। क्या डाल दो, ये इसी में डाल दो। ये बैग तो अलग जाएगा बट अलग इसी में मत रखना। कांच का हो उसको छोड़ देना। तो मैंने अपने कवर्ड को बहुत अच्छे से अरेंज करके रखा था, इसमें कुछ कुछ कपड़े थे, तो मैं भैया से बोल रही थी कि ऐसे रख दो जिससे मुझे वहाँ पे जाके मेहनत ना करना पड़े। और ये हमारा मुंबई वाला कवर्ड है, हमने मुंबई में लिया था क्योंकि वहाँ पे हमें कवर्ड नहीं मिला था। ऐसे ही जाएगा क्यों भैया? कवर्ड ऐसे ही जाएगा, वो भी पैक होगा। ये मतलब ये एलमर है। अच्छा अच्छा, शीशा पे देखो भैया ने अच्छे से कवर कर दिया है, अब इसको कवर कर रहे हैं। घर की हालत देखो, घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, आप लोग देख सकते हो। हम लोग सोच रहे थे कि पांच लोग आए हुए हैं तो जल्दी से खाली हो जाएगा, मतलब सारी पैकिंग हो जाएगी, बट सामान निकलता ही जा रहा है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जब अच्छे से सारी चीज़ें अरेंज होती हैं तब नहीं दिखता इतना सामान, लेकिन जब आप खाली करते हो तब समझ में आता है। यहाँ पे इन्होंने बेड को अच्छे से सीट लगा के कवर कर दिया है। समय हो चुका है 10:40, अब बहुत थोड़ा बहुत कम सामान बाकी रह गया है। लड्डू को थोड़ा खाना खिला के उसको नहलाने के लिए लेके जाऊंगी, तो बस लड्डू को थोड़ा खाना खिलाती हूँ। हाँ
इसी से दिक्कत हो रहा है। तो क्या कहते हैं, लड्डू को खाना खिला के फिर मैं नहलाने के लिए लेके जाऊंगी। और अनिल क्या कह रहे हैं, थोड़ा बहुत भी मतलब हमने जो थोड़ा बहुत क्या बहुत कुछ लगाया हुआ है। तो अनिल क्या, अरे बारिश टीकर ये तो हटाएंगे क्यों, बट जो भी है हैंगर वगैरह तो जो हम अगर खोल सकते हैं तो खुलवाने में क्या दिक्कत है, थोड़े बहुत तो जो हमारे हैं। तो भाई किचन का जो बर्तन वाला है वो नहीं खुल रहा है, मतलब जहाँ पे हम चम्मच वगैरह डालते हैं टांगते हैं मतलब, तो वो हम छोड़ के जा रहे हैं। तो अनिल बोल रहे हैं सब छोड़ दो नहीं खुलना सब, अरे सब क्यों छोड़ दो, एक एक मतलब चीज़ हम लोग कैसे करते हैं, मतलब ये जेंट्स नहीं समझेंगे कुछ भी। तो अगर हम अगर वो खोलना चाहते हैं, अगर खुल जाता है तो दिक्कत क्या है इसमें। तो बस अनिल डांट रहे हैंगर की भी, मतलब जो हमने लगाए हैंगर तो वो अगर मैं खुलवा रही हूँ तो उसमें दिक्कत क्या है, आप लोग बताना कमेंट करके। ये नहीं हैंगर क्यों लेके जा रही हो, अरे अंकल ने लगाया वो छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन हमने लगाया वो तो हम लेके जाएंगे ना, अगर खुल रहा है तो, नहीं खुल रहा तो कोई दिक्कत ही नहीं, दो चार नहीं खुल रहे तो हम उसको छोड़ के जाएंगे। और यार देखो ये बाल स्टीकर वगैरह कितने, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, तो रोना आ रहा है अजीब सा। नहला देती हूँ मैं लड्डू को, तो लड्डू को मैंने नहला दिया है। और देखो कुछ सामान जा चुका है, पेटियाँ वगैरह मैंने हेमा को बुला लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो गया था इसलिए, तो हेमा आ गई है मेरी हेल्प करने के लिए। थैंक यू हेमा, मैंने मुझे पता था कि हेमा आ जाएगी, तो फिर हेमा आ गई। तो बस अब मेरा बहुत काम निपट गया ये वाला कम से कम। और खाना खा लो अब तुम दोनों, हाँ लड्डू बबल रैप करेंगे वो। हेलो लड्डू लड्डू देख देख रहा है, हेलो रो रहा है पता नहीं क्यों, कल भी रो रहा था, भूल गया जल्दी। कैसा लग रहा है, एकदम खाली खाली है ना। ओ मेरा बहुत ज्यादा क्या, अब वो अबल पैक करेंगे, सामान जाएगा तब पैक करेंगे। तो अभी ऑलमोस्ट सारा घर खाली हो ही गया है, नीचे सारा सामान रख दिया है, थोड़ा थोड़ा बाकी है, ये सारा हम लेके जाएंगे। और अच्छा भैया टीवी तो इस बॉक्स में जाएगी, फिर कुछ होके जाएगी ना, ये टीवी का बॉक्स रखा देखो, हाँ। और ये नीचे का सामान रह गया है, इसको भी करवा देना, हाँ ये इतना रह गया है। और ये अंकल कर रहे हैं गैस स्टॉप पैक, ये अभी इसी का ये रह गया है, किचन का ये आइटम रह गया है अभी ये गार्डन में। अरे तो अभी हेमा जब ये सिलेंडर रख देना जरा नीचे हैं, तो ये लेके चली जाएंगी, इसके बाद सिलेंडर ही ले जाना आप, हाँ। चलो कैसा लग रहा है, एकदम खाली खाली अजीब सा, सारी चीज़ें दिखाना बहुत ज़रूरी था हेमा, अब दिखा दी ना बाद में, देखो तुम्हारी बोले वैसे बोलते हमारी तो दिक्कत आ जाती, इसलिए ये सब एकदम खाली हो गया यार। सब वो ले जाएंगे अभी आएंगे, वो बचा हुआ सामान लेके जाएंगे वो सारा, हाँ वो सब लेके जाएंगे। टीवी खुलेगी अभी तो है माँ, कब मिलेंगे, आना तुम वहाँ बच्चों को लेके, कभी आना हुआ आप तो। आना ना जब भाई की पार्टी होगी तो, हाँ वो पिछले साल होगी, हाँ तब आना, आएंगे है ना। हाँ तो अभी जा रही हूँ मैं नीचे, बाथरूम का सामान रह गया भैया थोड़ा, देख रहे हैं क्या हो रहा है नीचे। ओ माई गॉड कितना सारा सामान है, ये काउंट कर लिया काउंट, अच्छा ये चला के ले जाएंगे ये वाले भैया, बाइक ये कह रही हूँ भैया, ये वाले भैया चला के ले जाएंगे, इनके हाथ में ही है अपना सामान पहुँचाना। हाँ विधाता यही है। ओ माय गॉड कितना सामान है यार, लग कैसा रहा था, अभी तो है तो एक दो कार्टन तो निकलेंगे, यहाँ से बता देती हूँ कितना सामान है इसमें जा रहा है। टीवी इसमें आ जाएगी इस बॉक्स में, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, हमारा बड़ा है, आपको बड़ा बक्सा भी रखना चाहिए। अपना कितना इंची का है, 55 का है, अब आप यहीं रहोगे ना, काउंट होगा तो एक एक कार्टन कर लेना।
बाय, आएंगे अंकल से मिलने अभियाल। ऐसे जा रही हूँ मैं नीचे, हालत मेरी खराब है, मैंने नहा के आई हूँ, शीशा भी नहीं देखा, इतनी हालत खराब है, बहुत ज्यादा खाना पता नहीं ये लोग कब खाएंगे। खाना बन गया है सुबह, इतना सामान अभी और रह गया, काउंट हो गया, आ जाएगा इसमें सारे कंटेनर में। मेरे हाथ पैर टूट रहे हैं तो अभी देखो सेट हो रहा है। अच्छा ये अच्छे से सेट कर देते हैं, एकदम जगह नहीं छोड़ते। अरे आराम आराम से भैया, थोड़ा आराम कर लो, चक्कर वक्कर तो नहीं आ गए। इनको कुछ फ्रूटी फ्रूटी पिला देना, ये कह रही हूँ। अरे इनको फ्रूटी फ्रूटी पिला देना कुछ। तो अभी ये कर रहे हैं, सामान रख रहे हैं। अभी ये एक डेढ़ घंटा लग जाएगा ना भैया, एक डेढ़ घंटा लग जाएगा। अभी ये काउंट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है पता है वो क्या कहते हैं जो वहाँ पे पर्ची काटते हैं ना, हेलो वेयर हाउस पे पर्ची। इसमें तुम बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, तुम कंप्यूटर पे ही अच्छे लगते हो। हे एवरीवन, एक बज चुका है, मैंने थोड़ा सा खरबूजा और आम खा लिया है, लक्ष्य ने अभी खाना नहीं खाया, इन्होंने नहीं खाया, मेरा दिल ही नहीं कर रहा है खाना खाने का। और 10 साल एक जगह रहना मतलब समझ सकते हो ना, क्या बोलूँ, इस घर में आके मतलब ये घर मेरे लिए लकी है, पता नहीं क्या मेरे बच्चे लकी हैं, माता रानी की कृपा है। मैं अपने ससुराल से कुछ भी नहीं लेके आई थी, एक चम्मच भी नहीं लेके आई थी, एक एक चीज मैंने A few moments later. लड्डू हमारा सो गया है, जगह नहीं है तो यहाँ पर झाड़ू लगा के, चादर लगा के, तकिया लगा के सुला दिया है, थोड़ा बहुत सामान बाकी है अभी। और सबसे मेन टेंशन है हमारे टीवी की, क्योंकि हमारे जितना भी घर का सामान है सबसे महंगी टीवी है, और इसकी वजह से हमने वो भी लिया है, क्या कहते हैं, बीमा लिया है इसका। तो अभी इसमें कुछ बस डायरेक्ट रखेंगे इसको, है ना, तो सब लोग लगे पड़े नीचे, लक्ष्य है क्या, आराम से देखो। तो फाइनली जिस चीज का टेंशन था वो एकदम कंप्लीट हो गई है हमारी टीवी। भैया अब हमारी टीवी सही सेफली पहुंच जाएगी क्या, और अब संतुष्ट हो आप सब। अच्छा वो हमने नहीं फेंका ये टीवी का, ये कार्टन में चला जाएगा, छोटा बॉक्स होगा उसमें डाल देते हैं। हाँ वो भी डलेगा ना, उसी के साथ डाल देना। और जब हमारी टीवी नहीं आई थी ना तो पीछे हमने यहाँ पे स्टिकर लगाए थे, देखो वो दिख रहे हैं पीकॉक वाले, है ना, ये वाले स्टिकर, वो वाले स्टिकर, बड़ा पैसा लगाया मैंने इस घर में, बड़ा दुख हो रहा है यहाँ से जाने का। खुशी भी हो रही है कि वहाँ नई जिंदगी शुरू होगी, बट रोना भी बहुत आ रहा है। हे एवरीवन, 3 बज चुके हैं और अभी निकलना नहीं हो पा रहा है, मूवर्स पैकर्स वाले अलग ही कुछ कर रहे हैं अब, कि जो बात करने के लिए आए थे वो बोल रहे हैं कि GST ले रहे हैं अब, और पहले पूरा क्लियर हो गया था कि विदाउट GST हम इतना पे करेंगे, अब वो एक्स्ट्रा मांग रहे हैं 5,000 रुपये, और उस चक्कर में थोड़ा और लेट हो गए हैं। और लड्डू को मैंने अभी खाना खिला के, क्योंकि हमारा जो सिलेंडर है ना वो यहीं का कनेक्शन था तो यहाँ पर जमा हो गए, तो यहाँ पर रेगुलेटर वगैरह भी जमा करना पड़ता है, तो फिर खाना मैं ऊपर बना के लेके आई थी लड्डू के लिए दलिया, और उसको मैंने खिलाया, अभी वॉकर में है, और पता नहीं कब निकलना हो पाएगा, रात तक पहुँच पाएंगे हम लोग ग्वालियर,
कल हमारा घर पे और ट्रक पहुंचेगा, फिर वहां पे वो लोग आएंगे और इनकी हर जगह ऑफिस होती है मूवर्स ट्रैकर्स वालों की। तो वो देखो बैग तो अच्छी तरह करके लेके गए हैं, थोड़ा बहुत सामान है वो हम अपने साथ लेके जा रहे हैं, जैसे कि कपड़े कुछ हो गया कुछ हो गया। बट अजीब सा लग रहा है, पता नहीं क्यों, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा, मैं तो फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। जब मुंबई से मैं यहाँ शिफ्ट हुई थी तब भी लग रहा था, मैं उस टाइम पर भी बहुत रोई थी। बस उस टाइम पर मेरे पास कुछ था नहीं, मतलब मेरे कपड़े थे थोड़े बहुत, थोड़ा बहुत सामान था, बेड नहीं था, कुछ भी नहीं था। मूवर्स पैकर्स करे थे वहाँ से, तो टीवी थी, फ्रिज था, कवर्ड था, बेड वगैरह नहीं था, इन्वर्टर वगैरह नहीं था, कूलर वगैरह कुछ भी नहीं था। मुंबई में गर्मी पड़ती नहीं है तो ज़्यादा कुछ नहीं था, तो अब बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। और जब वहाँ पर इतना मैं रही भी नहीं मुंबई में, बट फिर भी रोना आ रहा था मुझे, मुंबई से आ रही थी। तो अभी जा रही हूँ मैं नीचे, पैक हो गया सारा सामान और मूवर्स पैकर्स वाले ने पैसे बढ़ा के 5,000 की जगह GST समेत 3,000 और एक्स्ट्रा कर दिए, 3,000 से 4,000 सॉरी हो गया। ये मुंह लटका के खड़े हुए हैं क्योंकि इनके 3,000-4,000 रुपए एक्स्ट्रा लग गए हैं। और ये सब लोग बहुत थक चुके हैं, भैया वगैरह, लेकिन चाय की व्यवस्था नहीं है। उनको लग रही होगी, क्यों नहीं लग रही होगी। अब कब जाएंगे ये लोग? जब तो लिंक भेजेगा वो कंपनी वाला, बोलेगा पेमेंट करने को जाएगा, बोलेंगे वो आगे बढ़ गए थे। पेमेंट कर दिया? पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करूँ, कैश कौन से लाऊं? सही कह रहे, बर्बाद हो गए भैया हम तो। ये एकदम पैक हो चुका है, अब इसका लॉक लगना बाकी है। हाँ हाँ सब जल रही है। और कैसा लग रहा है? अंकल के लड़के की गाड़ी कहाँ चली गई है? A few moments later. तो फाइनल हो गया है, अब बन रहा है बिल। पता नहीं, मैं इनसे बोलूँ पूरा पेमेंट मत करना। पूरा पेमेंट कर रहे हो? हाँ ठीक है। अब करता धरता ये है, हाँ ये करता धरता है। मैं भैया से बोल रही थी कि नींद पूरी कर ली क्या? हमारा जो काटा ना इन लोगों ने, चूना लग गया। मैं कितने हजार का? 12,000 की नहीं है। क्या पेमेंट अभी तो पूरा चाहिए? क्या वहाँ जाएंगे अंकल आप? नहीं वो कोई चले ना, अंकल अंकल भी चले, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आज काम अंकल ने अच्छा किया है, बट थोड़ा अंकल रख रहे। हो गया किसके? A few moments later. तो हम इस घर को छोड़ के जा रहे हैं। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, मुझे तो बहुत रोना आ रहा है। चलो चलो, लेट हो गया आज लेकिन बहुत, 4 बज गए। चलो खुद करते तो कैसे होता। चलो चलो जल्दी चलो यार, पता नहीं कब आएंगे अपन। हाँ लाइट बंद कर देते हैं, अभी हॉस्पिटल जाना है अंकल से मिलने के लिए, उधर से निकलते हुए जाएंगे। ये वॉलपेपर, ये दीवारें, ये सारी चीजें हम छोड़ के जा रहे हैं। बहुत बड़ी चीजें? बहुत बड़ी चीजें नहीं, मतलब ये सूप है, ये अपना सूप ले लिया अपन ने, सूप अपना। चलो 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 चलो, कुछ बोल दो, दो शब्द। दो शब्द यही है, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले शहर। कैसा लग रहा है? चलो 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 चलते हैं। निकलते हुए मैं अपने आंसू नहीं गिराना चाहती क्योंकि इस घर से हमारी बहुत अच्छी अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं यार। क्यों? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वहाँ पर जाके हम बहुत कुछ पाएंगे माता रानी की कृपा से, है ना। चलिए चलते हैं मेरी किचन, जहाँ पर मैं टिकटॉक पर बहुत सारी वीडियो बनाती थी। अभी तो थोड़ा मैसी हो रखा है, गंदा हो रखा है, और जब खाली करके जाते तो सफाई तो करवानी पड़ती है थोड़ी बहुत। तो बस चलते हैं अब हम लोग। बाय, फिर मिलेंगे।
कभी आए तो अंकल से तो बात होती रहेगी। मैं गेट लगा रही हूँ, फाइनली बाय बाय बोल रही हूँ, सफाई अंकल करवा देंगे। बाय 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 बाय।